भाइयों और बहनों, बीते कुछ दिनों से आप लगातार देखते होंगे टीवी में, अखबारों में, सोशल मीडिया में, सूर्यग्राम को लेकर के, मोढेरा को लेकर के पूरे देश में चर्चा चल पड़ी है। कोई कहता है कभी सोचा नहीं था कि सपना हमारी आंखों के सामने साकार हो सकता है, आज सपना सिद्ध होता देख रहे हैं। कोई कहता है कि हमारी चीर पुरातन आस्था और आधुनिक टेक्नोलॉजी मानो एक नया संगम नजर आ रहा है, नया संगम नजर आ रहा है। कोई इसे भविष्य के स्मार्ट गुजरात, स्मार्ट भारत की झलक बता रहा है। ये आज हम सभी के लिए, पूरे मेहसाणा, पूरे गुजरात के लिए गौरव का पल लेकर के आया है। जरा मोढे वाला ने पूछो, चाणसमा वाला ने पूछो, क्या मेहाड़ा वाला ने पूछो, तमे मने को आना थी तमारू माथू ऊंचू थयु कि ना थयु, माथू गर्व थी ऊंचू थयु कि ना थयु, तमने पोताने जीवन में कई तमारी सामे थई रहानो आनंद आयो के ना आयो। पहले दुनिया मोढेरा को सूर्य मंदिर की वजह से जानती थी, लेकिन अब मोढेरा के सूर्य मंदिर से प्रेरणा लेकर के मोढेरा सूर्यग्राम भी बन सकता है। ये दोनों एक साथ दुनिया में पहचाने जाएंगे और मोढेरा पर्यावरणवादियों के लिए दुनिया के मैप पर अपनी जगह बना लेगा। दोस्तों, साथियों, गुजरात का यही तो सामर्थ्य है जो आज मोढेरा में नजर आ रहा है, वो गुजरात के हर कोने में मौजूद है। कौन भूल सकता है ये मोढेरा के सूर्य मंदिर को ध्वस्त करने के लिए, उसको मिट्टी में मिलाने के लिए आक्रांताओं ने क्या कुछ नहीं किया था। यही मोढेरा जिस पर भांति भांति के अनगिनत अत्याचार हुए थे, आज अब अपनी पौराणिकता के साथ आधुनिकता के लिए दुनिया के लिए मिसाल बन रहा है। भविष्य में जब भी सोलर पावर को लेकर के बात होगी, जारे पर दुनिया में सौर ऊर्जा की बात थसे, एटले मोढेरा पहलू नाम देखा थे। कारण अहिया बधुज सौर ऊर्जा थी, सोलर पावर थी चाली रही है। घर की रोशनी हो, खेतीबाड़ी की जरूरत हो, यहां तक कि गाड़ियां बसें भी सोलर पावर से चलने का प्रयास होगा। 21वीं सदी के आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें अपनी ऊर्जा जरूरतों से जुड़े ऐसे ही प्रयासों को बढ़ाना है।